नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक साव और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फूडी साव में। वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब को टच करें और बेल आइकन को टच करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल आटे का चीला, जो छत्तीसगढ़ का सबसे पसंदीदा नाश्ता है। आइए देखते हैं चावल आटे से चीला बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले लीजिए चावल का आटा और इसमें थोड़ा सा नमक डालिए और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी को एक साथ ना डालकर हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालने से फ़ायदा यह है कि इसमें लम्प्स नहीं बनेंगे। अगर हम एक ही बार पानी डाल देंगे तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे, इसलिए बारी बारी पानी डालते जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को यूनिफॉर्म रखेंगे। दोस्तों, इसमें और थोड़ा पानी मिलाएंगे। इसके बाद इसे हम ऊपर उठाकर देखेंगे। अगर यह इस तरह से गिरने लग जाए, समझिए हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और यह के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि लम्प्स ना रहें और नमक है वो घोल में बहुत अच्छे से मिल जाए। हमारा तवा गर्म हो चुका है। इस तवे के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसे चारों तरफ फैला लेंगे। इसके बाद हम इस घोल को इस तवे के ऊपर डालेंगे। तवे के ऊपर डालने के बाद हम इसे ढक देंगे और एक तरफ से सिकने देंगे। अब इस चीले को हम पलट लेंगे। देखिए दोस्तों, चीला कितना अच्छे से सिका हुआ है और इसमें बहुत अच्छी जालियां बनी हुई हैं। चीले को दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। दोस्तों, हमारा चीला बनके तैयार है। इस चीले को हम टमाटर की चटनी, मिर्च की चटनी या फिर सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।